प्रभु जैसे नारायण को दिखाते हैं श्रीदेवी और भूदेवी, ऐसा अष्टदेवों को सौभाग्य को भी ऐसा होगा है। अगर अष्टदेवों का होगा तो 108 का भी होगा, और 108 का होगा तो 16108 का भी होगा, और 16108 का होगा तो यथा राजा तथा प्रजा हमारा भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, पूछो। हाँ, नारायण को संगम युग की यादगार दो पत्नियां दिखाई गई है, एक श्रीदेवी एक भूदेवी। श्रीदेवी का नाम श्रीदेवी क्यों पड़ा है? क्योंकि श्रेष्ठ काम किया, श्रेष्ठ वाचा बोली, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप को फॉलो किया, इसलिए नाम श्रीदेवी पड़ा। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सृष्टि में कहा जाता है या परम नाम में शिव बाप कहा जाता है? शिव बाप बता रहे, शिव बाबा जो सृष्टि पर सदा कायम है उसको फॉलो किया, कोई दूसरे को फॉलो नहीं किया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को फॉलो करने के कारण, उसके डायरेक्शन पर चलने के कारण नाम पड़ा श्रीदेवी, और दूसरे का नाम भूदेवी। भू माने पृथ्वी, धरणी माने जो भी कन्याएं माताएं रूपी धरणी है, उन धरणी के बीच में ऐसी धरणी जो 7 धर्मों को कवर करती है, 7 धर्म खंडों को कवर करती है। यह सिर्फ भारत को कवर करने वाली को भूदेवी कहा जाएगा है, 7 धर्म खंडों को कवर करने वाली उसका नाम पड़ा भूदेवी। पृथ्वी प्रथुलाति इति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, उसका नाम पृथ्वी। पहले तो जम्बूद्वीप था, छोटा था या बड़ा था? छोटा था। फिर द्वापर युग से क्या होना शुरू हो गया? प्रथुलाति बड़ी होना शुरू हो गई। अरब खंड आया, फिर बौद्धिक खंड आया, फिर क्रिश्चियन खंड आया। सारी दुनिया में पृथ्वी का विस्तार फैलता चला गया, उसका नाम पड़ा है भूदेवी। स्कूल में भी बात लागू होती है, हद में भी लागू होती है, और बेहद में भी लागू होती है। जो कन्याएं होती हैं, कन्या कुमारी को फॉलो करने वाली होती है, वो फैलती है, विस्तार को पाती है, या पतली कमर रहती है? पतली कमर में दिखाई जाती हैं देवियां। वो देवियां जो हैं विस्तार वाला शरीर नहीं होता है। जो जो बच्चों की पैदाइश होती जाती है, ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते जाते हैं,
माँ का शरीर विस्तार को पाता जाता है, बाकी भारत माता को तो सदैव इस रूप में दिखाते हैं, कन्या कुमारी के रूप में दिखाते हैं। गायन भी है दो माताओं का खास, कौन कौन सी? कन्या कुमारी और अधर कुमारी। अधर का मतलब अर्ध, पहली कन्या थी बाप का ही बन करके रही, फिर बाद में क्या हुआ, माता बन गई, आधी कन्या होकर के पार्ट बजाया, पुरुषार्थ किया, बाद में माता बनकर के पार्ट बजाया। तो जगत माता कही जाती है, जगदम्बा कही जाती है। इसलिए ये जो दो माताएं हैं, वो दोनों माताएं कौन कौन से युग में विशेष पार्टधारी हैं? है? संगम युग में तो विशेष पार्टधारी हैं, लेकिन संगम युग में भी उनका जो पार्ट है तिरुपति में जो मंदिर बना हुआ है, झगड़ने का गाया हुआ है, या आपस में प्यार से रहने का गाया हुआ है, है? झगड़ने का मंदिर बन गया। एक कहती है तिरुपति मेरो पति कहां से हो गया, उसका दिल तो तेरे साथ रहा पड़ा है, बल शरीर से मेरे साथ है, मेरे साथ रहा, तो तेरो पति असली में हुआ या मेरो पति हुआ? 84 जन्म की शूटिंग में क्या हुआ? मनसा के संकल्पों से शूटिंग होती है या तन से शूटिंग होती है? मनसा के संकल्पों से शूटिंग होती है। तो ये बात किसने कही? जगदम्बा ने कही, तेरो पति है वास्तव में, मेरो पति मैं नहीं मानती। और श्रीदेवी क्या कहती है, है? श्रीदेवी कहती है प्रैक्टिकल में तो अभी तेरा पति हुआ। पति साकार में होता है या निराकार में होता है? पति तो साकार में होता है, तो साकार प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा मिलन मेला तूने मनाया या मैंने मनाया? किसने मनाया? जगदम्बा ने मनाया। जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है यादगार में। तो ये थोड़े ही कहेंगे कि मेरे पति, वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में जब देखा जाए, प्रैक्टिकल होता है शरीर के साथ, तो तेरो ही पति है, दुनिया में कोई नहीं मानेगा मेरे पति, मेरे से तो बात भी नहीं होती है, मेरे से तो देखना भी नहीं होता है, मैं तो सन्मुख मुरली भी नहीं सुनती हूँ, मैं तो बिल्कुल अलग फलग हूँ, मेरा पति कैसे हो गया? तो ये झगड़ा चलता रहता है, ये झगड़ा दो माताओं का है। वो दो माताएं विशेष प्राप्ति कौन से युग में करती हैं? है? संगम युग में विशेष प्राप्ति करती है बाप से। एक प्राप्ति करती है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नारी से लक्ष्मी बनना, वो लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। और दूसरी लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करती है, परंतु वो सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो बेसिक में हैं, उन सब की बीज है। रुद्रमाला में सब धर्मों के बीज है या नहीं है? है, है?
तो चंद्रवंश की बीज है, रुद्रमाला के तारे ही मन के बीज रूप है, बाप समान है। बीज होने के कारण परिवार को कंट्रोल कौन करता है? बीज बाप, माँ नहीं कंट्रोल करती पूरे परिवार को, बीज बाप ही कंट्रोल करता है। तो जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जखीरा तैयार होता है, चाहे बेसिक में, वहां भी पहले पहले मुखिया बन करके कौन पार्ट बजाती है? जगदम्बा पार्ट बजाती है। यज्ञ के आदि में डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, ब्रह्मा बाबा भी उनके डायरेक्शन पर चलते थे। और आदि में करती थी तो अंत में नहीं करेगी है? जो आदि में तो अंत में, आदि में जो कुछ किया वो तो थोड़ा सा छोटा सा रूप है। क्या ब्रह्मा कुमारियां उतना बड़ा मर्तबा नहीं पाती है जितना बड़ा मर्तबा ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा पाती है? क्या सारी दुनिया के सब धर्म वालों को कंट्रोल करेगी? आज में भी तो कंट्रोल किया था, नहीं किया था? किया था। ज्ञान न होने के कारण हम बच्चों ने नहीं पहचाना है इस बात को, वो बात अलग। अभी तो हमारी बुद्धि में ज्ञान है, आगे चल करके देखने में आवेगा। सब धर्मों की आत्माएं जो चंद्रवंश और चंद्रवंश से नीची है, सब उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। पूरी 500 करोड़ की दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी। कलयुग में किसकी पूजा होती है? खास देवियों की पूजा होती है। जय माता दी का नारा लगता है, पिता को तो भूल जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। जो सच्चे पांडव हैं वो दुनिया का मान मर्तबा संगम युग में भोगते हैं, ये अपने को गुप्त करके रखते हैं। वो सूर्यवंशी अपने को गुप्त करके रखते हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित बेसिक वाले क्या करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं, अपना मान मर्तबा भोगते हैं। नियम ये बना हुआ है, जो यहाँ जितना मान मर्तबा भोग लेगा उतना मान मर्तबा वहां गवाय देगा। तो संगम युग में बहुतों को ये प्रश्न पड़ता है कि जगदम्बा का पार्ट क्या है? सतयुग में जगदम्बा का पार्ट क्या होगा? त्रेता में क्या होगा? अरे सतयुग त्रेता से भी ऊंचा जन्म कौन सा है? संगम युग में ब्राह्मण परिवार के अंदर उसने सबसे ऊंचा पद पा लिया, राज करेगा खालसा। सारी दुनिया की कंट्रोल बन के बैठेगी प्रैक्टिकल जीवन में। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ, लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? है बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है, दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश, जहां कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाश है माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई है, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं।
जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो जहां शमशान घाट में इतनी लाशें बिखरी हुई है, वहां कोई रहना पसंद नहीं करता है? दुनिया वाला कोई वहां रहना पसंद करता है? नहीं। अरे पुरुषार्थ की इतनी ठंडी होती है, कोई वहां टिक नहीं सकता। लेकिन ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज जो दिखाई गई है, उस ऊंची स्टेज में रहने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। दुनियावी मान मर्तबा भोगने वाले नहीं है। इंद्र देवता की तरह नाच गाने में मत रहने वाले नहीं है। बस एक लौ लगी हुई है, किसकी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं गुप्त होकर के पार्ट बजाती हैं, और बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो और धर्मों से कनेक्टेड रहते हैं, चंद्रवंश से लेकर के और सभी नीचे धर्मों तक, वो सब जगदम्बा के कंट्रोल में आकर के अपनी अपनी शूटिंग करते हैं। कलयुगी शूटिंग के अंत तक वो प्रत्यक्षता होती रहती है, और अंत में जैसे बेसिक नॉलेज में हुआ, क्या हुआ? जो बाप के बच्चे बने, जिन्होंने राम सूर्यवंशी को पहचाना, उनकी बुद्धि में ये बात पक्की हो गई कि एक बात सच्चा और बाकी सब झूठे। चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी देवताएं हो या कोई भी देवियां हो, बुद्धि के मान सम्मान उतर जाता है। सात्विक स्टेज होती है उस समय, बाकी सब की डूबी जा हो जाती है। जो कृष्ण को दिखाया है, क्या दिखाया है? हाथ में नई दुनिया सूर्यवंशियों की दिखाई देती है, बाकी और जितने भी धर्म वंश हैं, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धि वंशी हो, उनमें से जो श्रेष्ठ चंद्रवंशी हैं, जो अपने को कन्वर्ट कर देते हैं, झुकाए देते हैं सूर्यवंशियों के सामने, उनके अनुसार चलने लग पड़ते हैं, वो तो सूर्यवंशी ही बन गए। बाकी सब दुनिया कृष्ण की लात के नीचे आ जाती है। इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो गोली, ये सब झूठा रास्ता बताने वाले हैं। तो जब बाप जो बड़े से बड़ा इस सृष्टि का शासक साबित होता है सच रूपी रंगमंच पर, तो यथा राजा तथा प्रजा भी होती है। उसको दो माताएं हैं, संगम युग में दोनों माताएं अपना अपना मर्तबा पाती हैं, लेकिन दोनों माताओं में से सतयुग त्रेता में कौन सी पाती है और कौन सी नहीं पाती है? श्री देवी मर्तबा पाती है और भूदेवी मर्तबा नहीं पाती है। और जब द्वापर शुरू होता है तब क्या होता है? है? दोनों ही मर्तबा पाती है। क्या? दोनों ही मर्तबा पाती है,
इसलिए द्वापुर कहा गया है। राजा एक है लेकिन घर घर दो हो जाते हैं। न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते ग्रहणी ग्रहम उच्यते। ग्रहणी कोई घरवाली कोई ग्रह घर कहा जाता है। हाँ एक व्यभिचार का पार्ट बजाती है और एक त्रेसठ जन्मों में भी अब व्यभिचारी पार्ट बजाती है। ऐसे रुद्रमाला के हर मनके के जीवन में ऐसे ही होगा। क्या होगा क्या होगा? अरे ये संगम युग है, ब्राह्मणों के संगम युग में सब पुरुषार्थी मणके हैं रुद्रमाला में। प्रैक्टिकल जीवन में बुद्धि कहीं जाती है या नहीं जाती है? और बुद्धि जाने के साथ साथ दृष्टि वृत्ति कर्मेंद्रियां कहीं डूबती हैं कि नहीं डूबती हैं? है? कोई ऐसा है जिसकी न डूबती हो? है? कोई नहीं। तो सबकी कर्मेंद्रियां कहीं ना कहीं विशेष रूप से डूबती है। और जहां डूबती है विशेष रूप से पुरुषार्थी जीवन में, वो ही उनकी दूसरी पत्नी भूदेवी को फॉलो करने वाली हो गई। जगदम्बा अगर महाकाली बनती है तो उसकी भुजाएं नहीं होती हैं क्या? है? तो नंबर बार वो भुजाएं भी प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न क्या था रिपीट कर दो। नारायण को श्रीदेवी दो देवियां होती हैं, दो पत्नियां होती हैं, वैसे और जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनको 5000 वर्ष के जीवन काल में जन्म जनांतर जो पार्ट बजाते हैं वहां दो होती हैं या नहीं होती हैं? यही प्रश्न था ना? हाँ तो जवाब आ गया कि हाँ होती है। अगर होंगी नहीं तो उनके लिए द्वापुर आवेगा ही नहीं। भारत में भी आते हैं। हाँ हाँ और हिंदू धर्म में भी आते हैं। वहाँ भी आते सारे हिंदू धर्म में आ जाते हैं। जब प्रजापिता वाली आत्मा क्या हिंदू धर्म में नहीं आती है? हाँ 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 देवता ही तो कन्वर्ट होते हैं, कोई दूसरे धर्म वाले थोड़े ही कन्वर्ट होते हैं। भारत में ही आते हैं सभी धर्म में भी आते हैं। जब देवता कहा जाता है तो देवताएं भारत में होते हैं या विदेशों में होते हैं? भारत में ही होते। अच्छा आज घोषणा करके श्री श्रीधर भाई आया है, मैं वार्तालाप लंबा चौड़ा करूंगा इसलिए उसको पहले प्रेफरेंस दो भाई। हाँ बोलो। हाँ कैसेट में फिर भी सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? सब कुछ। सब कुछ माने क्या? बच्चा पैदा कर दिया? नहीं नहीं नहीं। हाँ किसी के साथ व्यभिचार कर दिया? काम विकार। अरे किसी के साथ काम विकार भोगा? मजा करना नहीं किया है। सब कुछ तो नहीं कर दिया। जो भी कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में मुख्य कर्मेंद्रिय जहाँ बुद्धि का सेंट्रलाइजेशन रहता है वो कौन सा कर्म है? चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक बुद्धि का सेंट्रलाइजेशन कहाँ रहता है स्त्री पुरुष का? कामेंद्रिय।
तो सब कुछ कहा बेचारे ने कर दिया, क्यों बदनाम करते हो बेचारे को? ऐसे बोला है कि सब कुछ कर दिया, ऐसे ऐसे तो नहीं बोला हुआ। हाँ रिमाइंड कर लो। हाँ है 15 साल सन्यासी धर्म का। हाँ वो भी 7 वर्ष में वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, वेद कंठस्थ हो जाते हैं। वो भी ये घर को छोड़ करके हम बाल ब्रह्म के पालन किया है ना। है बाल ब्रह्म का भी। हाँ हाँ पालन किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर भी वो सन्यासी धर्म का आधार मूर्त को क्यों बोला है वो हिरण्यकश्यप? सन्यास धर्म के आधार मूर्त को हिरण्यकश्यप क्यों बोला? जो ऊपर से आत्मा आती है वो सतो प्रधान होती है या तमो प्रधान होती है? सतो प्रधान। जो सतो प्रधान है वो खुद भोगना चाहेगी या परमार्थी होगी? तो परमार्थी है, उसको हिरण्यकश्यप कैसे कहेंगे? हिरण्यकश्यप वास्तव में वो ही आत्मा है जिसका वो आधार लेती है। हिरण्य माने सोना, सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं हैं पाठ बजाने वाली, उन भारत की अच्छी अच्छी आत्माओं को, भावनावादी आत्माओं को अपनी लपेट में ले लेती है, अपना चेला बना लेती है, उनके पवित्रता रूपी काश्य पी जाती है, आधीन कर लिया माने पी लिया। और रुको रुको, हाँ बोलो बोलो बोलो। जब वहाँ पर आए थे द्वापर युग, हाँ जी, वेद व्यास ने वेद व्यास ये जो काम अतन वो वेदों को लिख दिया है। हाँ वेद व्यास ने वेद तैयार किए। हाँ में हाँ चलो कोई भी वेद में है वो शिव के बारे में वो मंत्र करते हैं ना। हाँ वो भी वेदवान निकल के हाँ उनका मान मर्तबा बढ़ाया। किसका मान मर्तबा बढ़ाया? अपनी। हाँ जब है ही स्वार्थी, लिखने वाले शास्त्र को लिखने वाले स्वार्थी है या आत्माभिमानी है? रथ के प्रति उनका मोह तो होता है ना, क्योंकि उस समय द्वापर के आदि में भी आत्मा का ज्ञान तो किसी को होता ही नहीं। जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो सही स्थिति में तो रह ही नहीं सकते, देह की स्थिति में रहते हैं तो स्वार्थी हो गए। स्वार्थी हैं तो जो भी काम करेंगे किसके लिए करेंगे? रथ के लिए करेंगे। रथ का मान मर्तबा संसार में खूब हो तो शास्त्रों में देखने में आता है। महाभारत में सबसे जास्ती मान मर्तबा कौन से ऋषि मुनि का देखने में आता है? स्वार्थी है तो उनकी स्वार्थी की पूर्ति हो गई शास्त्र लिखने से। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज में शास्त्र किसने लिखे?
है जगदीश भाई ले लेके आठवा नारायण है नीची कोटि का। तो किस लिए लिखे, क्या है उनका मूल में उद्देश्य, अपना नाम मान मतवाल बढ़ाने के लिए ये उनका उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि भगवान प्रत्यक्ष हो जाए, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा जब भी किसी में प्रवेश करके आई तो ये स्वीकार किया कि मैंने जो संकल्प लिया था बाप को प्रत्यक्ष करने का वो मैं पूरा नहीं कर सका। उल्टे उल्टे काम करोगे तो बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो व्यास भी स्वार्थी हुआ या परमार्थी हुआ, स्वार्थी हुआ। मुरली में बाबा नहीं बोल दिया, सबसे बड़ा दूता किसको कहेंगे, दूत है व्यास को कहेंगे। और है जब अंतिम निवेश होता है, है उसी टाइम में वो विचार है कि अर्जुन और अशोक है दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ करके है सारी दुनिया का हम खत्म करेंगे है बोला। बट लेकिन अर्जुन ने वेद व्यास बोला है कि आप ब्रह्मास्त्र को वापस कर दो, वो तो आज्ञाकारी था, आज्ञाकारी था वापस लिया। हाँ जी, लेकिन ये अश्वत्थामा वापस करने का भी उनका ताकत नहीं था, वो जानता ही नहीं था वापस कैसे होता है। तो है ये 7 दिन का विनाश ही वो लागू होता है क्या, वो 7 दिन में दिनों का खत्म होता है। अच्छा ठीक है, वही वो महाभारत में ऐसे लिखा है। ठीक है, गलत क्या लिखा है, वही है अश्वत्थामा कौरव संप्रदाय का प्रधान सेनापति था या पांडव संप्रदाय का था। तो कौरव संप्रदाय का क्या करेगा, जो कौरव संप्रदाय के मुखिया हैं वो तो विनाशकारी ही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे या डिस्ट्रक्शन करेंगे, डिस्ट्रक्शन ही करते हैं। और परिणाम कैलाश पर एक दूंगा एक ही बुरे ने दो नहीं तो वो अब लड़ाई लड़ेगा, हमको मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो मौका दे दिया आप लोगों नया सीरीज द्वापर युग में विक्रमादित्य चित्र है, द्वापर से विक्रमादित्य चित्र दिखने का दिखाया हाँ। और पुरानी सीरीज में नया चित्र का मतलब क्या है आपका, जो देहधारियों के द्वारा बनाया हुआ है वो चित्र या जो साक्षात्कार से बनाया हुआ है एडवांस का चित्र। एडवांस का चित्र नहीं, एडवांस का नहीं, ठीक है। हाँ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नया चित्र बनाया सीढ़ी का, नया चित्र विक्रमादित्य चित्र दिखाया, पुराने चित्र में विक्रमादित्य चित्र नहीं दिखाया, ठीक चित्र दिखाई कैसा बाबा है, पुराने चित्र में विक्रमादित्य बदले में स्त्री का चित्र दिखाया, स्त्री व्यक्तित्व दिखाया, तो ठीक है। वास्तव में द्वापर के आदि में द्वापर का निमित्त कोई तो बनेंगे,
बनेंगे, एक पुरुष बनेगा और एक स्त्री चाहिए। तो जो स्त्री निमित्त बनती है वो संगम युग में पुरुष चोला होता है या स्त्री चोला होता है? है संगम युग में जब फाइनल होता है, माया की परीक्षा पूरी होती है, तो ब्रह्मा की तोल स्त्री चोले के रूप में होती है, पुरुष चोले में नहीं होती है। इसलिए वो शूटिंग वहां स्त्री चोले की दिखाई इसलिए है कि वो आत्मा वहां क्या बनती है, विक्रमादित्य बनती है। चोला उसका दिखाया गया है जो यहाँ शूटिंग करता है। और कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत ये दोनों एक ही है क्या? भारतवर्ष में हिंदुओं के शास्त्रों में सबसे ऊंची स्टेज का पर्वत कैलाश पर्वत दिखाया है, हिमालय पहाड़ पर ही। और जैनियों में उसका नाम है अष्टापद पर्वत। क्या? जहाँ से दुनिया के आठ ऊंचे ऊंचे पद डिक्लेयर होते हैं। कहते हैं उस अष्टापद पर्वत पर आठ पांव वाले जानवर रहते थे, चार पांव ऊपर थे, चार टांगे, और चार टांगे नीचे थी। ऊपर के टांगों से भी छलांग लगाते थे और नीचे की टांगों से भी छलांग लगाते थे, बायजोली खेल लेते थे। कहाँ की बातें हुई? माना जैसे बाप का पार्ट है, श्रेष्ठ दुनिया में भी ऊंची स्टेज का पार्ट बजाता है, और नीचे की द्वापर कलयुग की दुनिया में भी हार खाता है या ऊंची स्टेज का पार्ट बजाता है, ऊंची स्टेज का पार्ट बजाता है। ऐसे ही उसको जन्म जन्मांतर फॉलो करने वाले जो अष्ट पद पाने वाले अष्टापद हैं, वो जानवरों की दुनिया में जानवर जैसे बन जाते हैं, हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? है हिंसक युद्ध करते हैं, लेकिन वीरता में बढ़ा चढ़ा करके उनकी महिमा गाई जाती है। भारत में जितने वीर हुए हैं उतने और देशों में वीर नहीं हुए। भला अलेक्जेंडर का भी 2000 साल पहले आक्रमण हुआ भारत में, लेकिन किससे हार खा करके चला गया? नहीं, फॉरेस्ट को तो उसने हरा दिया। किससे हार खा करके चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य तो शिष्य था, उसका गुरु कौन था चलाने वाला? चाणक्य से हार खा के चला गया। तो भारत की वीरता तो सारे देशों में गाई हुई है। और दादा वो दोनों एक ही है क्या? कौन दोनों? साकार पांडव और कैलाश पर्वत। अरे तुम्हारा माउंट आबू के लिए बोला है। हाँ बाबा, तुम बच्चे परम नाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ। तो कहाँ उतारेंगे? माउंट आबू। हिमालय पहाड़ पर उतारेंगे या माउंट आबू में उतारेंगे? माउंट आबू। माउंट आबू में उतारेंगे। शास्त्रों में हिमालय को कहा गया है। शास्त्रों में हिमालय को कहा गया। शास्त्रों में स्थूल जो नाम दिया हुआ है स्थूल चीज के लिए, उसका अर्थ है हिम माने क्या? बर्फ।
जब बर्फ में कोई बैठ जाए या सृष्टि के अंतिम काल में जब रुद्रमाला के वक्त बर्फ में तिरोहित हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि चलेगी है कि जाम हो जाएगी, जाम हो जाएगी। प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो स्थिति दिखाई गई है कि वहां सब मुर्दे जैसे होंगे, न मन के संकल्प चलेंगे, न इंद्रियां चलेंगी, भूख प्यास जैसे खत्म हो जाएगी। अभी भी अनुभव करते हैं जब ज्यादा खुशी बढ़ जाती है तो भूख प्यास ज्यादा तंग करती है, शौच क्रिया की ज्यादा जरूरत होती है? नहीं होती। ये तो बहुत छोटी स्टेज है पुरुषार्थ की, क्योंकि अभी संगठन में इकट्ठे हुए नहीं रहे पड़े, सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी मस्ती मार रहे हैं। दुनिया के संगठन के बीच में ज्यादा रहते हैं और ईश्वरीय संगठन के बीच में नाम मात्र, कहीं एक घंटे के लिए कोई आते हैं तो आते हैं, नहीं तो सात दिन में एक बार, महीने में एक बार, कोई तो वो भी नहीं। लेकिन 2500 वर्ष की दुनिया में विशेष महत्व है संघौ शक्ति कलौ युगे। ईश्वर की शक्ति काम नहीं करती है, ईश्वर होता ही नहीं, कौन सी शक्ति काम करती है? कौन सा प्रूफ है? इस्लाम धर्म, मुसलमान, उनकी बुद्धि की एकाग्रता काबा में हुई पड़ी है। इतना बड़ा संगठन दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जहां इकट्ठा होता हो। तो 2500 वर्ष के द्वापर कलयुग के जीवन में उन्होंने सबसे लंबे समय तक दुनिया में राज्य किया। इतनी संगठन की शक्ति के आधार पर उनमें ताकत आ जाती है। तो हमारा तो ईश्वरीय संगठन है, अगर हम संगठित हो जाएं तो हमारे में ताकत नहीं आएगी क्या? है? आएगी, मुख से कहते हैं लेकिन करते क्या है? है? अपनी अपनी मस्ती, अपनी बगल में दवाई और मस्त रहते। और इस जन्म में कितना प्राप्ति करते हैं उस तरीके में तेरे से जन्म देवी राजपथ पाते हैं, लेकिन कितना आत्मा कलयुग में कितना टाइम राज्य बात लिया है कलयुग, ये भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, कलयुग में राजा भीमदेव, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह, बाबर, झगड़ा, ये सब कुछ रामानी का है, पर लेकिन कृष्ण आत्मा का नहीं पता क्यों। सूरदास के रूप में पार्ट कौन बजाता है? पता कि वो राजा नहीं है। अब वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है ना। वास्तव में सोमनाथ मंदिर किसने स्थापन किया? राजा विक्रमादित्य ने स्थापन किया। वो तो सत्युग आदि की बात की शूटिंग हो गई द्वापर के आदि में, अब क्या कलयुग में भी प्राप्ति करेगा क्या? त्रेता में तो कितना, त्रेता में फर्स्ट क्लास प्राप्ति तो नहीं करेगा, सत्युग में भी फर्स्ट क्लास प्राप्ति कर ली तो त्रेता में भी फर्स्ट क्लास प्राप्ति करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही जब त्रेता में नहीं करेगा तो कलयुग में भी नहीं करेगा। सबको मौका मिलने दो। और एक मिनट, हाँ कुछ माता जी बोल रही है ना, बोल लेने। हाँ,
हाँ अरे अरे माता को भी बोल लेने दो। जगत माता जगत पिता की जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं है, तो नहीं है। अरे भक्त भक्ति मार्ग वाले जय माता दी करते हैं, लेकिन जब जय माता दी करते हैं तो माता दी विधवा है या सदवा है? है अपने भारतवर्ष में सदवा की पूजा होती है या विधवा की पूजा होती है? तो जोड़ी क्यों नहीं? जोड़ी है तो, लेकिन संगम युग में वो जोड़ी गुप्त होकर के रहती है, उनकी आंखों के सामने आई नहीं, इसलिए वो बेचारे जानते भी नहीं। इतना जानते हैं कि हमारी माता सदवा है, विधवा नहीं है। और हाँ जी हाँ हाँ, क्यों नहीं बनेगा? जब कृष्ण की आत्मा किस चिन्ह से टैली की जाती है, उसके कार्यकाल को, उसके जीवन काल को, तो कलयुग में आकर के दक्षिण भारत जो भारत का विदेश कहा जाता है, वह विदेश में राज्य नहीं करेगी? देवराय खराब बात क्या है? हाँ वही आत्मा है। हाँ जी बात में तो यहाँ क्या हुआ संगमी भी जीवन में यज्ञ के आदि में किसने ले लिया? कुमार का दादी के हाथ में आ गया या किसी दूसरे के हाथ में आया? सत्युग में क्या होगा है? सत्युग में उनका राज्य कौन लूटेगा? इस्लाम धर्म की आत्माएं लूटेंगी। अरे बाबा ने तो सारी दुनिया का 84 के चक्र का सारा राज हमारी बुद्धि में दे दिया, सिर्फ मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। ज्ञान में बुद्धि भ्रमण करती रहे, बढ़ने के लिए क्या मोलाधार है? प्योरिटी से यूनिटी। क्या गीता पाठशाला में संगठन शक्ति बढ़ानी है तो क्या करें? प्योरिटी आएगी तो यूनिटी पीछे पीछे आएगी। और है हाँ देव फल आम जो है फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फलों का राजा। और राजा ही देता कौन है? है शिव बाबा राजा ही देते हैं। जो राजाई देने वाला शिव बाबा है वो कहाँ की राजाई देता है? देवताओं की दुनिया की राजाई देता है या द्वापर कलयुग की राजाई देता है? देवताओं की दुनिया की राजाई शिव बाबा देता है, तो उनको देवता कहा जाता है। किनको? जिनको शिव बाबा राजाई देता है उनको फलों का राजा कहा जाता है। क्या? तो जो फलों का राजा आम है उसको देव फल नहीं कहना चाहिए? है देवता फल देव फल ही कहना चाहिए।
राक्षस भी बन जाएंगे क्या? नहीं ना। वो देव फल भी दो प्रकार का होता है क्या? पहले पहले भारतवर्ष में जो आम देखे जाते थे, लोग आम खाते थे, वो किस प्रकार के आम थे? काट के खाने वाले आम थे या चूस के खाने वाले आम थे? चूस के खाने वाले आम थे, वो भारतीय आम थे, देसी आम थे। बाद में अभी 100-200 वर्षों से क्या हुआ है? कलमी आम शुरू हो गए। तो जो कलमी आम है वो कलम की प्रक्रिया विदेशों से आती है। ये विदेशी फुट भरा हुआ है उन आमों में। क्या आम तो हैं? क्या आम तो हैं फलों के राजा, लेकिन वो फलों के राजा भी दो प्रकार के हैं। एक आदि से अंत तक भारत में पार्ट बजाने वाले और अपने धर्म के पक्के रहने वाले, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। और दूसरे वो राजा हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जब दूसरे धर्म में कोई कन्वर्ट हो जाता है तो गायन है स्वधर्म निधनम से है पर धर्म हो भयावह। जो पराये धर्म की पावरफुल पावरफुल आत्मा ऊपर से आती है वो उनको राजाई में हिस्सा देंगी या दास दासी बना के रखेंगी? क्या करके रखेंगी? दास दासी बना के रखती है, अच्छी तरह से उनको काट काट के खाती है। इसलिए वो विदेशी आम है, देखने में तो मोटे ताजे होते हैं, लंबे चौड़े व्यक्तित्व वाले होते हैं। देसी आम की तरह छोटे छोटे नहीं होते हैं, देखने में बड़े बड़े हैं लेकिन आत्मिक स्थिति की पावर ना के बराबर।